हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई राहुल मिश्रा। टुडे वी विल डिस्कस टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। सो लिसन, समटाइम्स वी कैन से इट इज टेट्राहेड्रल नेचर ऑफ कार्बन आल्सो। सो लिसन, व्हाट इज टेट्रा वैलेंसी? टेट्रा मींस फोर, वैलेंसी मींस कंबाइनिंग कैपेसिटी। इट मींस कार्बन शोज फोर कंबाइनिंग कैपेसिटी, और वी कैन से कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ कार्बन इज इक्वल टू फोर। बट लिसन, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन वॉज एक्सप्लेन्ड बाई ली बेल एंड वॉन्ट हाफ। ली बेल एंड वॉन्ट हाफ इन 1874। सो लिसन, ली बेल एंड वॉन्ट हाफ इन 1874 एक्सप्लेन द टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। इट मीन्स कार्बन की वैलेंसी फोर होती है। इट मीन्स वो टेट्रा वैलेंट है, या हम कह सकते हैं कार्बन की कंबाइनिंग कैपेसिटी फोर है। इट मीन्स वो चार सिंगल बॉन्ड बना सकता है, किससे? चार अदर एटम्स। फॉर एग्जाम्पल, लीबेल एंड वॉन्ट हाफ एक्सप्लेन इन 1874 एंड ही सेड दैट व्हेन कार्बन इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन, एट द सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन। सो लिसन, दिस इज टेट्राहेड्रन, दिस इज टेट्राहेड्रन। सो लीबेल एंड वॉन्ट हाफ इन 1874 एक्सप्लेन द टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, एंड ही सेड इफ कार्बन इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ दिस टेट्राहेड्रन, दिस इज व्हाट, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रन। इट मीन्स जब कार्बन जो है वो टेट्राहेड्रन के सेंटर पर लाई करता है। सो दिस इज सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन। जब कार्बन हमारा टेट्राहेड्रन के सेंटर पर लाई करता है, तो जो कार्बन की चार वैलेंसीज हैं, फोर वैलेंसीज मीन्स फोर सी एच बॉन्ड, इट मीन्स दिस इज फर्स्ट वैलेंसी, दिस सी एच बॉन्ड इज फर्स्ट वैलेंसी। इट मीन्स हम कह सकते हैं पहली वैलेंसी हमारी कार्बन की किससे सेटिस्फाई है? इस हाइड्रोजन से। दूसरी वैलेंसी कार्बन की इस हाइड्रोजन से। तीसरी वैलेंसी कार्बन की इस हाइड्रोजन से। चौथी वैलेंसी कार्बन की इस हाइड्रोजन से। इट मीन्स कार्बन की वैलेंसी क्या है? सो वैलेंसी ऑफ कार्बन इक्वल टू फोर, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल लाइन। और जो कार्बन की वैलेंसी होती है उसको सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, किसमें? इस टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर में। इट मींस वी कैन से व्हेन कार्बन इज प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रन, when carbon is present at the center of tetrahedron, then four valency of carbon are represented by four lines. It means we can say valency of carbon is represented by line, or we can say four वैलेंसी ऑफ कार्बन, फोर वैलेंसी ऑफ कार्बन आर रिप्रेजेंटेड बाय फोर लाइंस आर फोर बॉन्ड्स। इट मींस आप देख सकते हैं जो कार्बन की चार वैलेंसी है वो किससे रिप्रेजेंट की जा रही है? वो चार बॉन्ड से रिप्रेजेंट की जा रही है। और कैसे बॉन्ड से? वी कैन से फोर सी एच बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड एच। इट मीन्स चार सी एच बॉन्ड से कार्बन की चार वैलेंसी रिप्रेजेंट की जा रही है। सो लिसन,
इट मींस कार्बन शोज फोर वैलेंसी. इसका मतलब इस टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर में कार्बन कितनी वैलेंसी शो करता है? चार वैलेंसी शो करता है. सो लिसन, टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन इज एक्सप्लेन बाय दिस स्ट्रक्चर एंड दिस इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर. दिस इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर. इट मींस हम कह सकते हैं जो हमारा टेट्राहेड्रन है ये किसके लिए है, ये किस मॉलिक्यूल के लिए है? दिस स्ट्रक्चर इज फॉर CH4 मॉलिक्यूल. ये हमारे CH4 मॉलिक्यूल के लिए. सो लिसन, लीबेल एंड वॉन्टहॉफ आल्सो सेड दैट द एंगल बिटवीन एनी टू वैलेंसी. इट मींस लीबेल और वॉन्टहॉफ ने क्या बताया कि जो हमारा एंगल होता है दो वैलेंसी के बीच में, इट मींस फॉर एग्जांपल बिटवीन दिस CH एंड दिस CH बॉन्ड, अगर हमने ये पहला CH बॉन्ड माना और ये दूसरा CH बॉन्ड माना, तो इन दो बॉन्ड के बीच में या इन दो वैलेंसी के बीच में जो एंगल होता है, दिस एंगल इज 109 degree 28 minute. ये एंगल कितना होता है? 109 degree 28 minute. और कार्बन हमारा कहां प्रेजेंट है? सेंटर पर. सो लिसन, दिस इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर एंड लिसन, दिस टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स द टेट्राहेड्रल नेचर ऑफ कार्बन. इट मींस यही टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर क्या रिप्रेजेंट करता है? कार्बन का नेचर कैसा होता है? टेट्राहेड्रल नेचर होता है. इसका मतलब टेट्रा मींस फोर. इट मींस कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? फोर बॉन्ड बनाता है, क्योंकि उसके कंबाइन करने की कैपेसिटी कितनी है? फोर लोगों से है. इट मींस उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है? फोर है. इट मींस वी कैन से कार्बन मे फॉर्म फोर बॉन्ड विद हाइड्रोजन एटम. सो लिसन, दिस इज CH4 मॉलिक्यूल. एग्जाम्पल, दिस एग्जाम्पल इज ऑफ CH4 मॉलिक्यूल. सो इन CH4 मॉलिक्यूल द कार्बन एग्जिस्ट एट द सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रन एंड फोर वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर रिप्रेजेंटेड बाई फोर लाइन्स आर फोर CH बॉन्ड. सो लिसन, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन और टेट्राहेड्रल नेचर ऑफ कार्बन. थैंक यू.